तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे मान गए आदि पुरुष के मेकर्स को, ये लोग वाकई में दिमाग लगा के ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हैं, अमेजिंग। भाई मैं इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी का फैन हो गया हूँ बिल्कुल। आदि पुरुष के मेकर्स ने ऐसे रद्दी कंटेंट को सोने के भाव बेचा है, जिसको खुले दिल से लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म लगातार मिल रहे हैं उसके बावजूद। देखो, शिवम सॉन्ग का रिव्यू करने वाला हूँ और ये सॉन्ग मूवी के डाउनफॉल में ऐसा बूस्टर लाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने अपनी मूवी के डाउनफॉल के रीजन को कर लिया है अब डिकोड। कैसे, सब बताऊंगा। कैसे गेम चेंजर साबित होगा ये सॉन्ग, कैसे मूवी को यहाँ से डबल नहीं ट्रिपल बूस्टर मिलेगा, इस सॉन्ग की इंपॉर्टेंस क्या है, भला अभी इस सॉन्ग को अचानक रिलीज करने की जरूरत क्या पड़ गई, सब जानेंगे उस किसी देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं और आदि पुरुष से रिलेटेड न्यूज की लगातार अपडेट चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम रायत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदि पुरुष को कल यानी 16 जून को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया गया था और मूवी का कुछ लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़ा विरोध भी कर रहे थे। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए सर्वाइव कर रही है। लेकिन रिलीज होने के बाद मूवी को बहुत गंदे रिव्यू मिले, जो भी थिएटर जा रहा है निराश होकर ही लौट रहा है। मूवी इतनी खास पसंद नहीं आई जनता को, लेकिन उसके बावजूद मूवी ने अपने पहले ही दिन से पूरी दुनिया से लगभग 150 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी और इंडिया के बिगेस्ट ओपनर मूवी में अपना नाम दर्ज करके हिस्ट्री क्रिएट करा था। लेकिन देखा जाए तो मूवी को आज भी बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। जी हां दोस्तों, आज आदिपुरुष के शिवम सॉन्ग को रिलीज करा गया है। व्हाट इज द मेन स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, वेट फॉर इट, आई विल डेफिनेटली टेल यू। दोस्तों तुमने सोचा भी नहीं होगा इस गाने के पीछे इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली जाएगी मूवी को बूस्ट कराने के लिए। जी हां दोस्तों, पब्लिक की तरफ से लगातार रिव्यू मिल रहे हैं कि मूवी में बिल्कुल दम नहीं है, कोई भी कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लगा, खासकर प्रभास श्रीराम के कैरेक्टर में तो कहीं से कहीं तक जमे ही नहीं, कहीं भी फिट नहीं हुए, कहीं भी मैच नहीं हुए। लेकिन एक बंदा इस मूवी से अपना नाम चमका गया, कौन, यू नो हिम, द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर सैफ अली खान। भाई इस बंदे ने रावण के कैरेक्टर में आग लगा दी, हर कोई इस बंदे का फैन हो गया। क्या तो लाजवाब एक्टिंग करी है, क्या स्क्रीन प्ले दिया है इस बंदे ने और क्या जबरदस्त रोल के साथ इसने कैरेक्टर पकड़ा है। भाई साहब सच में हर कोई यही बोल रहा है, लंकेश का कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेंट लग रहा है राघव के कैरेक्टर के सामने। बस फिर पूरी मूवी में ये एक प्लस पॉइंट मिला मेकर्स को मूवी को इंस्पिरेशनली बूस्ट कराने के लिए और पब्लिक को थिएटर तक लाने के लिए। बस फिर क्या, मेकर्स ने आओ देखा ना ताओ और आज शिवम सॉन्ग को रिलीज कर दिया, जो कि सीधा पब्लिक की फीलिंग से कनेक्ट करेगा और दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि रावण को देखना चाहिए यार एक बार। और सबसे बड़ा गेम तो यहां खेला, पूरे सॉन्ग में इन्होंने रावण का लुक, उसका चेहरा तक नहीं दिखाया, जो कि उन लोगों के दिल दिमाग में एक खलबली मचाएगा कि इसको देखना चाहिए यार एक बार, लोग क्यों आखिर इस कैरेक्टर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। और इस पूरे सॉन्ग में रावण को शो ना करके लोगों की इस आंख को और बढ़ा दिया है, जो थिएटर तक जाने में इन लोगों को बूस्ट कर ही देगा। दूसरी बात, मेकर्स भी कहीं ना कहीं ये जानते थे और बाय गॉड ये रावण का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र के रूप में कर रहे हैं अब, क्योंकि ट्रेलर वगैरह में वैसे रावण का नामोनिशान नहीं था और क्लाइमेक्सली थिएटर में सीधा रॉ मटेरियल बचा के रखा था, एक बिगेस्ट सुपर सरप्राइज फॉर पब्लिक, जो कि पब्लिक को पसंद भी खूब आया और ये स्ट्रेटेजी अब धीरे धीरे काम कर रही है। तो दोस्तों जिस हिसाब से इनकी प्लानिंग्स है मूवी को बूस्ट कराने के लिए, ये वाकई में अपनी लागत तो निकाल ही लेंगे अब। लेकिन इस सॉन्ग को अभी रिलीज करके जो चाल खेली है, भाई साहब फैन हो गया मैं इस स्ट्रेटजी। ओम राउत जानते हैं और अब इन्हें पूरा यकीन भी हो चुका है कि भाई साहब कंटेंट के बेस पर हम मूवी ग्रो नहीं कर पाएंगे, अब मूवी ग्रो करेगी तो सिर्फ डिवोशनल कनेक्शन से, जो कि इन्होंने रिलीज होने से पहले राम सिया राम, जय श्री राम के सॉन्ग के साथ करा था, पब्लिक इकट्ठा करी थी। सेम स्ट्रेटजी, सेम चीज आज शिवम सॉन्ग के साथ कर रहे हैं, अब रावण को लीड में रखकर। दोस्तों बात अगर सॉन्ग की करूं तो महाकाल का भक्त होने के नाते सॉन्ग में कोई कमी नहीं है, सॉन्ग जबरदस्त है, म्यूजिक ऑसम है, लिरिक के एक एक वर्ड सीधा डिवोशनल कनेक्शन देते हैं शिव जी के साथ, तो सॉन्ग ओवरऑल सुपर अमेजिंग है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी इस सॉन्ग को देख लिया है अभी तक तो आपको ये शिवम सॉन्ग कैसा लगा, और अगर मूवी भी देख ली है तो मूवी आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।